डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछले सप्ताह मैंने मैजिक मैथ कोर्स को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में और इसके बारे में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे चर्चाएं हुई। तो मुझे लगता है कि कहीं पर भी मैजिक मैथ, जो मैंने बोला था कि आपके गणित के सारे समस्याओं को हल करने के लिए समर्थ है, वो कैसे है, इस बातों को थोड़ा सा मैं खुलासा करूं। तो चलिए हम मैजिक मैथ की सच्चाई को थोड़ा जान लें। सबसे पहला जो है मैजिक मैथ की सच्चाई को अगर हम बोलते हैं तो बोलते हैं कि आपको खाली एक ही तो प्रयत्न करना है, 25 तक का टेबल, 25 तक का पहाड़ा आपको सीखना है। सीखना भी उस क्रम में है, 13 का पहाड़ा अगर सीखते हैं, 13 दस 130 में नहीं खत्म होते हैं, 13 का पहाड़ा 13 तक सीखते हैं, 14 का पहाड़ा 14 तक सीखते हैं, 15 का पहाड़ा 15 तक, 25 का पहाड़ा 25 तक। ऐसे देखें तो बहुत ज्यादा ये मुश्किलात नहीं है, ये आप भी समझते हैं, क्योंकि 19 तक का पहाड़ा तो लोग ऐसे ही याद रहता है। हाँ, वो 19 10 तक सीखते हैं, हम 19 को 19 तक लेके जाते हैं, थोड़ी सी तो असुविधा होती है। लेकिन ये असुविधा अगर आप 1-7 दिन से ज्यादा लगता नहीं है, इसे आप खत्म कर देते हैं तो आपकी दुनिया कैसे चमक जाती है उस पर जरा देखें। चलिए देखिए 26, देखिए यहां पे मैंने बोला खाली आपको मन की आंख से रीग्रुपिंग करना है। जैसे 26 को 35 से गुणा करना है दोस्त, 26 को 35 से गुणा करना है तो 13 दूनी 26, 5 सते 35 होता है। देखो हम रीग्रुपिंग करके क्या करते हैं, पहले 13 को 7 से गुणा करते हैं, 13 सते 91 और 5 दूनी 10, 910 हो गया। तो कहीं भी कागज कलम का इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ, 26 को 35 से हमने गुणा कर दिया। चलिए हम दूसरे गुणा को देखते हैं, 26 को 85 से गुणा करते हैं। आप समझ सकते हैं यहां से आपने 13 लिया, यहां 19 पचे 85 होता है, ये 17 पचे 85 होता है, 13 को 17 से गुणा किया 221 हुआ, 221 के बाद एक सुन्ना बना दिया, बैठा दिया, 2210 हो गया गुना। अब हम तीसरे पे आते हैं, चलिए 34 गुना 95 करते हैं। तो 34 हमें पता है कि 17 दूनी 34 है, 95 की 19 पचे 95। देखो 17 और 19 का तो गुना हमें पहाड़ा पता है यहां से हमें, ठीक है ना। जब 19 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं 19 तक जाएंगे तो 19 गुने 17 भी हम सीखेंगे और उसमें हम 323 सीख के रखते हैं, उस पर एक सुन्ना लगा दिया, हो गया। ये तो सुन्ना वाला कहानी था, ऐसा नहीं कि हर जगह नहीं ऐसा होगा। तो चलिए हम दूसरा भी एक लेते हैं, 46 को 69 से गुना करते हैं। तो देखो यार 46 को जब हम करते हैं 2 गुना 23 होता है, 69 कैसे होता है, 23 गुने 3 होता है। अब देखो मन की आंख से, ये देखो ये प्रैक्टिस से बनता है, 23 को 23 से हमने गुना कर दिया तो 23 से 23 को गुना करते हैं तो 529 होता है। अब देखो यहां पर हम कैसे गेम खेलते हैं, अब देखो 529 में हमें क्या दिख रहा है भैया, यह 52 है, 52 मतलब 13 चौके 52 होता है। तो देखो यहां पे 13 रखा, 13 चौके 52, इस 4 को यहां ला दिया तो हम 13 को 24 से गुना करते हैं। देखो 24 का पहाड़ा जब हम 24 तक याद करते हैं तो 24 गुने 13 हमें 312 आता है, ठीक है ना। और यहां पर हम क्या करते हैं, यहां 520 देखते हैं तो एक सुन्ना बैठा देते हैं और 9 6 54 हो जाता है, मतलब 3120 के साथ अगर 54 जोड़ेंगे तो 3174। देखो ये प्रैक्टिस से मैं सिखा देता हूं, कहीं पर भी कागज कलम की कोई जरूरत नहीं होती है, कोई वैदिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैदिक की एक सीमा है, यहां कोई सीमा नहीं है। किसी भी दो संख्या से दो संख्या, किसी भी तीन संख्या से तीन संख्या आप मुझबानी कर सकते हैं बिना किसी कागज कलम के। थोड़ी सी प्रैक्टिस जो मैजिक मैथ के क्लास में करवाया जाता है वहीं से चीजें बनता है। चलिए एक दूसरा भी करते हैं, चलिए 38 को 81 से गुणा करते हैं तो फिर क्या होता है, 38 मतलब 19 दूनी 38 और 81 मतलब 9 9 81। अब देखो 19 को 9 से जब गुणा करते हैं तो आप जानते हैं क्या आएगा भैया, 19 को 9 से अगर गुणा करेंगे और उसको 2 से गुणा करेंगे तो 342 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या कि 19 को 9 से गुना करेंगे 171, 171 को अगर 2 से गुना करेंगे 17 दूनी 34 और 2 एकम 2 342। अब 342 को 9 से गुना करेंगे यार, अब देखो 342 जो है और 9 जो है, ठीक है ना, इसे हम क्या देखते हैं, हम यहां 34 देखते हैं, ठीक है ना। यहां क्या देख रहे हैं यार, 34 देख रहे हैं तो 17 दूनी 34 होता है, 17 लिया और 2 को पास कर दिया 9 में तो 17 गुणे 18 हो गया। तो देखो 17 को 18 से गुणा करते हैं तो हमने पहाड़ा सीखा हुआ है 306 और एक सुनना चूंकि हम बढ़ा देते हैं, देखो ये प्रैक्टिस से होता है। फिर 9 दूनी 18 कर दिया तो क्या हुआ 3078। कहीं कहीं आपको लगा कि ऐसा कुछ चीजें था, क्योंकि आप पहाड़ा के उपसहारे चल रहे हो, आप रीग्रुपिंग कर रहे हो फिर पहाड़ा कर रहे हो, रीग्रुपिंग कर रहे हो पहाड़ा पढ़ रहे हो, बस इतने में हो जा रहा है। तो
ऐसा नहीं कि भयंकर कुछ करना है, कुछ नहीं, कुछ भी संख्या ले लो, चलो 39 को 48 से गुना करते हैं तो 13 दिया 39 होता है, 16 दिया तुम्हारा 48 होता है, 13 को 16 से गुना किया 208। अब देखो 208 को अगर 9 से गुना करेंगे, यहां 200 देखते हैं यार, तो 200 को 9 से कर दिया 1808 972, 1800 प्लस 72 1872। तो देखो 39 को 48 से कितना सिंपली गुना कर दिया हमने। तो ये कोई भी गुना हो, कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या हमें किसी स्टेज पर उठकर हमें ये दिखाना है लोगों को? जी नहीं, हमें एग्जाम पास करना है, और एग्जाम पास अगर करना है तो केवल गुना ही इसका एकमात्र रास्ता नहीं कि ऐसा ही खाली गुना करने आपको दिया जाएगा। जी नहीं, तो फिर हमें दूसरे तरीके से चीजों को सीखना है। मैजिक मैथ वही है कि आप 20 सेकंड में मैथ कर सकें। चलिए हम दूसरा देखते हैं। चलिए ये देखिए, एक पकड़ लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट का है, चक्रवृद्धि ब्याज का है, 15% के ब्याज का दर था, ठीक है ना, 2 साल के लिए था। तो 1 + 15/100, देखो इसको लिखते हैं तो हम मन की आंख से क्या देखते हैं, 115 देखते हैं। 115 मतलब 23 होता है, ये 20 होता है, तो 23 का स्क्वायर बराबर देखो 529 होता है, और 20 का स्क्वायर बराबर 400 होता है। हम तो केवल 529 देखते हैं, और जो नहीं देखते हैं उसको बोलते हैं यार लिख ले 529। अब 529 है भैया, ठीक है ना, और 4 से हमें भागा देना है, तो 13 चौके 52 हो गया, देखो 13 लिख दिया, और 9 बराबर है 900 होता है, 900 बराबर 225 होता है, और हमें दशमलव कैसे लगाना है पता है, 1.3225 हो गया। लेकिन आप अगर करोगे तो क्या करोगे यार, आप अगर करोगे तो इसमें आपको क्या करना होगा, आपको 1 प्लस ऐसे करोगे, 23 पर 20 स्क्वायर है, और इतना जल्दी आप 529, अगर 23 का पहाड़ा आपको पता है स्क्वायर, तब तो 529 लिखेंगे, फिर आप 4 से भागा देने भी जाएंगे, है ना दोस्त। तो ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के जब हम सीखते हैं, जब वहां हमने गुणा सीखा, हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे चक्रवृद्धि ब्याज में हम लगाएंगे, सारे जितने भी ये 3 साल हो 4 साल हो जो भी हो, हम लगाने के लिए हो जाते हैं, बड़े आराम से लगा लेते हैं, दुनिया चाहे कोई कुछ भी करे, हमें तो 20 सेकंड में मैथ बनाना है। चलिए अब दूसरे एक चीज पे आते हैं, चलिए नाव और धारा पे आ जाते हैं। चलो एक है कि डिस्टेंस आपका 35 किलोमीटर है, ठीक है ना, आपका धारा का वेग जो है 1 किलोमीटर है, और जाने में 12 घंटा लगता है, तो हम क्या लगाते हैं, जाने में 35 किलो 35 बटे x+1 + 35 बटे x-1, धारा के विरुद्ध में आप जानते हैं बराबर 12 घंटा है। यहां से देखिए जब हम मैथ करेंगे तो आप करेंगे तो कैसे करेंगे, तो एकदम जैसे किया जाता है मैंने उसको, वो भी मैं कुछ कुछ काट काट के लिख रहा हूं। तो पहले आपने इसको करेंगे, लसा निकालेंगे, 35 को देखिए x से गुणा करेंगे, 35x - 35 करेंगे, 35 को 1 से, फिर 35 को -1 से गुणा करेंगे, फिर 35 को 1 से +35x लिखेंगे, फिर +1 से 35 करेंगे, फिर -35 + 35 काट देंगे। देखो यहाँ पे एक मैंने एक नहीं किया है कि जगह ही नहीं था मेरे पास। अब x - 1 x + 1 क्या होगा, x² - 1 होगा, x² - 1 को आप 12 से गुणा करेंगे तो 12x² - 12, और यहाँ 35 + 35 70x होगा, 35, और इधर -35 + 35 कट गया। अब देखिए 35x बराबर आपका है 6x² - 6, यही है ना, क्यों हमने 2 से सब में काट दिया, तो 35x बराबर 6x, 12 का 2 से भागा देंगे 6x², 12 का 2 से भागा देंगे तो 6 होगा। अब इस 35x को हम सजाएंगे, क्या करेंगे, 6x² - 36x + x - 6 = 0, उसमें से करके x - 6 × 6x + 1 = 0, 6x = 6। अगर जो गणित में कमजोर है वो यहां तक तो समझ जाता है, यहां बोलता है कि मेरी बेसिक कमजोर है सर, मेरे से नहीं हो रहा है, है ना यही बात। और जिनको ये आता भी है, क्या वो गारंटी दे सकते हैं कि अगले 25 सेकंड में ही इसको कर लेंगे? ये तो थोड़ा थोड़ा सा ठीक है, अगर थोड़ा सा ये टेढ़ा हो जाता ना, ये जगह यह 53 हो जाता, यहां पे 37 वगैरह हो जाता, तब तो पूरी परेशानी या पूरा परेशानी के घर में आप आ जाते। अब देखिए इसको अगर हमें करना है मैजिक मैथ के अनुसार, तो हम तो बस इतने में छोटे में करते हैं, या क्या करते हैं हम, देखो यहां पे ये पटाख से क्या देख लेते हैं, मन की आंख से हम सीधा देखो 35 हमने जानते हैं, हम देखो यहां पे जानते हैं 35 प्लस, दोनों चूंकि मुझे पता है डिस्टेंस एक ही होगा तो ये तो एक ही होगा, तो +1 और -1 ये 35 35 काट देगा, ये 35 x होगा, ये 35 x होगा,
सत्तर एक्स होगा, और या एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा तो मतलब 12x² - 12 होगा, 70 है तो कट जाएगा, और ये कटेगा ही तो मतलब ये 35 होगा, यहां 6x² - 6 होगा। देखो ये चर्चा से हम सीख लेते हैं, ये चर्चा से सीख लेते हैं, फिर इतनी सारी रामायण लिखना छोड़ देते हैं। अगर हमें लिखना आता है तो भी वक्त लगता है, तो इसलिए हमें छोड़ना जरूरी है। और अगर मैं मैथ में कमजोर हूं, इतना बवाल क्यों मैं देखूं यार, मुझे तो कोई एक सस्ता गाड़ी दो ना, जहां से मैं यहां से सीधा चला जाऊं। ये -36x + x, 35 को तोड़ना है, 6×6 = 36 है, -36 + x में तोड़ा तो मुझे पता है x, यहां से ये दूंगा तो x - 6 होगा, ये +1 है तो x + 1 होगा, तो यहां से x की वैल्यू प्लस में निकलेगी, क्योंकि ये क्या कहते हैं गति का है, तो x = 6 होगा। तो फिर कहने का मतलब क्या है, तो ये मेरे को सीखना है, ये मैजिक मैथ ही करवाता है, और कहीं ये चीजें नहीं है, क्योंकि चैप्टर वाइज होना चाहिए। ये मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट में ये जानना जरूरी है, अगर मेरे को तेजी से गुणा करना है जो मैंने पहले दिखाया वो जरूरी है, और अगर मेरे को कोई इक्वेशन लंबी चौड़ी हो जाती है तो वो यहां जरूरी है। तो ये कोई आपका वैदिक मैथ का वो स्टाइल नहीं है कि खाली छोटा छोटा करने का, नहीं, आप अगर जानते हैं तो भी छोटा करके, अगर नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको खाली एग्जाम निकालना है, तो फिर वो ट्रिक्स पे नहीं जाते हैं, जो ट्रिक्स काम नहीं करता। ये तो दुनिया के हर वक्त में ये जो है इस तरह से छोटा जो किया गया वो काम में आएगा ही, इसमें थोड़े से कुछ चेंजेस होते हैं जो आप प्रैक्टिस के सहारे आप सीख लेते हैं, फिर ये आपकी ताकत होती है, यही मैजिक मैथ करता है। और चलिए कुछ और चीजों को हम आगे देखते हैं, चलिए और एक और इसको लेते हैं। देखो ये मैंने बोला एप्लीकेशन ऑफ मैजिक मैथ, हम कुछ चीजों को जानते हैं, जैसे पहाड़ा की तरह कुछ और चीजों को जान लेते हैं, जो जैसे बोलते हैं इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कुछ फैक्ट्स को हम दूसरे तरीके से जानते हैं और उसकी एप्लीकेशंस को हम करना शुरू करते हैं। चलिए आप देखिए, अब देख दूसरा सवाल है, एक्स और वाई का हम ले लेते हैं, 30/x / 44/y बराबर है इसका 10 और 13। आप जानते हैं इस तरह की स्थितियां आती है यार, आप ऐसा नहीं बोलते हो कि ऐसा नहीं आता है, तो ये स्थितियां जब आती है तो आप क्या करते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हो। पहले आप क्या करते हो, इसको तोड़ते हो एक्स वाई में, और तोड़ने के बाद देखो 10xy करोगे, ये 30y होगा, ये 44x होगा, ठीक है ना, और इसको भी मैंने दोनों इक्वेशन को लिया। लेने के बाद आप क्या करोगे, यहां पे इन दोनों को आप इक्वेट करना है कोशिश करोगे, तो इसको 4 से गुणा करोगे, इससे 3 से गुणा करोगे, 4 से पूरा इसको गुणा करोगे, 3 से पूरा ये गुणा करोगे। आप जानते हैं, मैं जानता हूं आप इन चीजों को करेंगे, ठीक है ना। अब 44 को 4 से भी गुणा करना पड़ेगा, कितने सारे आप चीजों को करोगे, फिर 120y को करोगे, फिर आप 165x को करोगे, फिर आप 39xy को करोगे, फिर क्या होगा, फिर आप घटाएंगे तो देखो 176 से 165 जाएगा तो x होगा, या 40 से 39 जाएगा तो xy होगा। अब x से x काटोगे 11 = y होगा, या y बराबर 11 होगा। ये आप छोटे में करते हो तो ये, और अगर थोड़ा आप कच्चे हो, हर स्टेप को करना चाहते हो, तो इसका दुगुना लंबा, मतलब यहां पे तो स्लाइड में अट ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आप मैजिक मैथ के तरीके से करेंगे तो क्या करेंगे, आप सीधा लिखते हैं 11x = xy। कहां से आप पहुंच गए भैया, आप एक चीज को जानते हैं, जानिए एक छोटी सी बात है, जब इक्वेट करना होता है आपको भी पता है गुणा करना है, इक्वेट जब कर रहे हैं आप सब, तो इसको लिखने की क्यों जरूरी है, क्यों मगजमारी करते हैं 120y को लिखेंगे बार बार, तो ये खत्म, आपने लिखा नहीं। और आप जानते हैं कि यहां पर जो गुणा होता है दोनों को, दोनों संख्या को, ये हम मैजिक मैथ में सीखते हैं कि देखो हमने यहां पर जब हमने क्या कहते हैं यहां पर जो था, 4 से जब गुणा किया तो 176 हुआ था, 3 से गुणा किया तो 165 हुआ, डिफरेंस क्या निकला, डिफरेंस तो यार 11 ही निकला ना। तो पहले यहां भी 55 से 44 घटा दो 11 होगा, दोनों को अगर आप क्रॉस संख्या से भी गुणा करते हो तो वो 11 ही होता है, एक नियम है, उस नियम को हम सीख लेते हैं, बस उतना ही तो करते हैं। और फिर क्या क्या, तो इसके लिए हमें क्या देखा, हमने खाली 44 से 55 घटाया 11x लिखा, और यहां पे 4 × 10 = 40 और 13 × 39, 40 से 39 घटाया 1 हुआ, xy लिखा, x x काट दिया, y = 11। क्यों भैया इतना लिखेंगे,
क्यों करेंगे? अगर जानते हैं तो भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 20 सेकंड में अगर मैथ करना है, ये सब जो है ये गुनाह है, नहीं करना है। मैजिक मैथ यही सिखाता है, हर चैप्टर की हर जरूरतों को सिखाता है, और उसे छोटा जो आप ढूंढते हैं कि क्या बोलते हैं ट्रिक्स, अरे भैया ट्रिक्स से तो सब कुछ होता नहीं है। तो रेगुलर मेथड में दो ना, जिसमें आप सब कुछ कर सकते हो, और जहां पे कैलकुलेशन का पार्ट आता है वहां आप वो ट्रिक्स अपनाते हो जो हर वक्त सही रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। इन सिचुएशन को आप जानो, देखो तो समझ में आता है आप कैसे कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने दो पिलर है, आप गणित के मामला में क्या समझते हो? मेरे हिसाब से यार गणित दो चीज होता है, कंसेप्ट चैप्टर वाइज, और अभी जो हालत हो चुका है कि 20 सेकंड में मैथ करना है, चाहे आप की कुछ भी दे रहे हो, कैट दे रहे हो, आप सीजीएल दे रहे हो, बैंक दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, आपको कैलकुलेशन चैप्टर वाइज, क्यों? अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर चैप्टर के कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, और आपको उसमें आपको कैसे आप छोटा कर सकते हो उसके लिए कुछ भी नया नहीं है, हर चीज अत्यंत ही आपको भी पता है, लेकिन कोई चाहिए इसके ऊपर बहुत सारा प्रैक्टिस करा के आपको तैयार कर दे, और उन छोटे छोटे पहलुओं को लाके आपके सामने रखे जिससे आपकी तैयारी में संपूर्णता मिले। तो कहने का मतलब है कि अगर मैजिक मैथ की सच्चाई क्या है, अगर आप एक शब्द में बोलोगे तो बोलेंगे मैथ इन 20 सेकंड्स। मैजिक मैथ का एक ही काम है कि 20 सेकंड में मैथ आप कर सको, और उसमें कैलकुलेशन चैप्टर वाइज जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर होता है, इस पे नहीं होता है, ये इस पे नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि आप ये हिंदुस्तान में इतने सारे, मेरे से बहुत सारे बेटर सिखाने वाले हैं, वो बैठे हुए हैं वहां पे, तो इसकी आपकी जरूरत कहीं से भी आप पूरा कर लो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में इस चीज को छोटा करने के लिए वैदिक मैथ और कुछ वो सो कॉल्ड ट्रिक्स हैं जो कभी भी 100% यूनिवर्सल नहीं है, हर जगह नहीं लग सकते हैं, वो चलते हैं, तो उसको हटा के मैंने बोला कि मैजिक मैथ। और देखो सिंपल है यार, मैजिक मैथ का कोर्स जो है, अगर आप 30 तारीख तक, इस मंथ के 30 तारीख तक करते हैं, केवल ₹250, 2 महीने का कोर्स है या ऑनलाइन है, यहां पर आपको मॉक टेस्ट पेपर से एवरीथिंग मिलता है, तो फिर क्या बात करते हो कि ₹125 महीना कोई मांगता है, तो कहीं लगता है कि आपको ज्यादा है, जो आप लोग उल्टा सीधा कॉमेंट्स करते हैं। और अगर 30 तारीख के बाद से होगा देन इट विल बी द 450, मतलब ₹225 पर मंथ। जिनको भी जरूरत है, लगता है कि नहीं ये उनके लिए जरूरत है, ये नेट में अवेलेबल नहीं है, वो मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे करें, मैं पेमेंट का लिंक दूंगा, आप पेमेंट करें, क्लास शुरू करें। एक गारंटी के साथ, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप 2 महीने के बाद लोगों को जलवा दिखाएंगे, आपके एग्जाम देने में जलवा वाली ताकत आ जाएगी। आप किसी भी स्तर के हैं, सबसे ज्यादा तो मैं बोलता हूं कि उन लोगों के लिए मैं बोलता हूं जो गणित में कमजोर खुद को पाते हैं, क्योंकि यार दो पिलर है, एक पिलर काफी स्ट्रांग हो जाता है ना, कंसेप्ट आने में ज्यादा देर नहीं लगता है, आप कंसेप्ट में नहीं फंसते हैं, आप खुद सोचिए, जैसे मैं दिखा रहा था, जब गणित का वो कैलकुलेशन का पार्ट लंबा हो जाता है आपके कलम रुक जाते हैं, नहीं तो कंसेप्ट आपको भी समझ में आता है, कंसेप्ट का जब एग्जीक्यूशन करना आता है तभी आपके प्रॉब्लम होते हैं। तो ये मेरा सोच है, मेरा क्या कहते हैं एनालिसिस है, तो जिसके लिए है, अगर मैं खुद को बोलता हूं कि कमजोर छात्रों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, तो मेरा यही निवेदन है। ओके देन, आपने समय दिया, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।